दोस्तों पांच के फंडे के विनिंग सीरीज 23 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सी यू टी वन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज एग्जीक्यूटिव एजेंसी सेकंड कवर्ड ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन है ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है पहला स्टेटमेंट दूसरा है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया में वो सब कवर होती है आंसर देख लेते हैं आपने क्लिक किया मैं कर रहा हूं ओके आंसर इज डी नाइदर वन नॉट ये भी नहीं भाई और ये भी नहीं यानी यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन एक्चुअली पॉलिसी एजेंसी है लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं यानी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करती ये वाली और दूसरा है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर नहीं होती एग्जैक्ट क्या है देख लेते देखो कौन कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन जो है ये कंडक्ट करती है सिंस 2021 और टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये कवर करती है न्यूज में क्यों है दोस्तों 10 लाख अप्लाई फॉर CUET कवर्ड एज मेन एज 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज 11 डिम्ड यूनिवर्सिटीज एंड 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर द अकेडेमिक सेशन ऑफ 2022 2022-23। ये एन टी ए जो है यानी सी यू टी जो है कौन से कौन से एग्जाम कंडक्ट करती है यू जी अंडर ग्रेजुएट इंटेग्रेटेड पी जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस इन सभी के लिए ये सी टी एन टी ए कंडक्ट करती है टोटल नाइन पेपर्स है यहाँ पे अब देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी डी यू पॉपुलर है सबसे ज्यादा अप्लीकेशन है एंड नेक्स्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज में दिल्ली की जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो टॉप में रही है और स्टेट के कॉन्टेक्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूपी से आए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी रही है सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द हैज और हैव ओरिजिन इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मतलब दोस्तों कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 है इसके तहत किसका ओरिजिन है कौन किसकी उत्पत्ति इससे हुई है वन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर टू नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी और तीसरा है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एफ आंसर क्या है क्लिक किया आपने मैं क्लिक कर रहा हूं

रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड रूल टू थाउजेंड थ्री ये दो है ये रूल है दोस्तों इट्स नॉट एक्ट और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो ओरिजिनल है उसके तहत आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो एनआरसी है ये ये अमेंडमेंट एक्ट में आता है और इस अमेंडमेंट से सिटीजनशिप एक्ट 1955 फिफ्टी फाइव में फोर्टीन ये, ये क्लॉज एंट्री की जिसके तहत एनआरसी आता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 के कॉन्टेक्स में आता है जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में तैयार किया गया उसके तहत ये बने हैं न्यूज में क्यों है दोस्तों आसाम एनआरसी हेड शर्मा नो स्ट्रॉगर टू कॉन्ट्रोवर्सी हितेश देव शर्मा जो है टेन इनका आसाम एनआरसी के हेड थे आई ऑफिसर है और इनके अक्सर ये कंट्रोवर्सी में रहे हैं अभी उन्होंने कहा है कि भाई जो ये एनआरसी है ये कोई ढंग की नहीं है और फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को कह दिया है विच इज एक्चुअली जुडिशियल कौसाइज जुडिशियल बॉडी कि भाई ये जो एनआरसी के डाटा है ये बड़े बो बोगस है इरानियस है कोई लॉजिकल नहीं तो उसका डाटा नेशनलिटी डिक्लेयर करते वक्त तो मत यूज कीजिए यानी एनआरसी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये काफी न्यूज में रहे हैं हितेश साहब थर्ड क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसर्शन एंड रीजन वेट ऑफ अ व्हीट ग्रेन इंक्रीज इन स्टोरेज यानी गेहूं के ग्रेन्स जो है उसको यदि स्टोरेज किया तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है सेकंड आउटर लेयर ऑफ अ वीट ग्रेन एब्सॉर्ब मॉइर ड्यूरिंग स्टोरेज बाहर का जो लेयर है वीट का है ना वीट ग्रेन का वो एब्सॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर जब वो स्टोरेज में रहता है दिस द रीजन देख लेते क्या है क्लिक किया कि दोनों बराबर है एक्सप्लेनेशन है या फिर दोनों बराबर है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सिर्फ ए बराबर है या फिर सिर्फ आर बराबर है ओके क्लिक करूं ओके आंसर इज सी इज ट्रू आर इज फॉल्स ये बराबर है भाई वेट गेन करता है लेकिन आउटर लेयर व्हीट ग्रेन का मॉइस्चर एब्सॉर्व नहीं करता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज तो एग्जैक्ट क्या है थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं और फिर मांझरा क्या है वो देख लेते हैं देखिए ये ट जो है विट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग ग्रेन क्योंकि क्यों तो ये जब स्टोरेज में रहता है तो इसका वेट बढ़ जाता है है ना दिस वेट uh, जो गेनिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज अ स्टोरेज गेन ये वेट गेनिंग होता है इसको स्टोरेज गेन कहते हैं अब मैक्सिमम जो है मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय द एंडोसपर्म नॉट आउटर लेयर एंडोसपर्म एब्सॉर्ब कर लेता है और इसके वजह से जो है वीट का दाना जो है गेहूं का दाना वो फुल जाता हल्का सा और उसका वेट बढ़ जाता अब इसमें यदि हम देखेंगे थ्री पार्ट होते हैं देखो आउटर पार्ट यह है आउटर पार्ट इज अ ब्रांड जिसके ऊपर का जो है है ना चमकेला रहे तो हम बोलते बहुत बढ़िया गेहूं है वो है ब्रांड आउटर लेयर, रीच इन फाइबर फाइबर में है रीच है 14.5 टू 15 परसेंट अब जर्म है उसके अंदर का यदि देखा जाए तो ये छोटा सा पार्ट होता है एक साइड का जर्म है इनर लेर रीचिंग न्यूट्रिय है ये देखो बहुत बड़ा बल्क होता है एंडोस्पर्म अंदर का बल्क ऑफ कनेर कंटेन्स मिनरल्स एंड वाइटामिन परसेंट ऑफ द दिस ग्रेन दैट एंडोस्पर्म इज एब्सॉर्बिंग यानी अंदर का बाहर का नहीं नहीं तो बाहर हमें गीला लगता था बराबर है ओके न्यूज़ में क्यों है स्टोरेज गेन इन व्हीट एक्चुअली सेंटर ने फ्योर एंड एवरेज क्वालिटी जो है नॉर्म्स से रिलैक्स कर दिया है वीट प्रोक्रूटमेंट के एंड परमिसेबल लिमिट जो है श्रिल्ड और ब्रोकन ग्रेन्स की ये 18 परसेंट अलाउ कर दी 6 परसेंट थी एटीन परसेंट अलाउ कर दी इसमें फिर पंजाब स्टेट जो प्रोक्रूटमेंट एजेंसीज है इन्होंने कहा है कि भाई आप स्टोरेज गेन का जो क्लॉज है वो थोड़ा शिथिल कर दीजिए वेव कर दीजिए अब स्टेट प्रोक्रूटमेंट एजेंसी जो है उनको एक किलोग्राम यदि एक किलोग्राम व्हीट एक्स्ट्रा पर क्विंटल को जो है वो देना पड़ता है कंपेंसेशन करके एफ को अब इस ढंग से यदि देखा जाए तो ये उनके ऊपर वर्णन आने वाला था इसलिए उन्होंने कहा कि इसको व्यव कर दिया जाए अब यदि देखा जाए सीन क्या है तो 20 परसेंट जैसे ही प्रोक्यूर किया जाता है इमीडिएटली सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है पीडीएस सिस्टम के लिए वगैरह भेज दिया जाता है एफ से ऐसे. लेकिन 80 परसेंट है वो जुलाई तक फर्स्ट जुलाई तक हर साल फर्स्ट जुलाई तक रखा जाता है उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो ये जो पीरियड है इसमें ये वेट गेन कर लेता है फोर्थ क्वेश्चन हु वॉज कॉल्ड भारत पाथिक बाय रविंद्रनाथ टागोर रविंद्रनाथ टागोर किनको भारत पाथिक कहते थे ए राजा राम मोहन राय बी चंदीदास सी केशव चंद्रसेन डी राम कृष्ण परामंसा क्लिक करूं मैं एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फैक्चुअल है क्लिक कर रहा हूं आपने किया ओके मैं कर रहा हूं आंसर इज ए राजा राम मोहन राय इनको भारत पाथिक ये रविंद्रनाथो टागोर कहते थे But, न्यूज में इसलिए राम मोहन राय इज लिगेसी एंड इट्स रिन्यूड रिलेवेंस टू 50 इयर्स ऑन राजा राम मोहन राय इनका बर्थ जो है ट्वेंटी सेकेंड मई सेवनटीन को हो गया था इसे अभी जो है टू फिफ्टी ईयर्स हो गए हैं। ये भरतनगर हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है वहां पे इनका जन्म हो गया था हिंदूज बंगाली पर्शियन अराबिक और संस्कृत लैंग्वेज जो जानते थे बाद में वो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखे अब जो है यूनिटेरियन यु, फैक्शंस जो है क्रिश्चियनिटी का इससे काफ़ी प्रभावित थे मोनोथिज्म भी उन्होंने उसके ऊपर लिखा है वर्क किया है उन्होंने उपनिषद भी पढ़ा वेदास भी पढ़ा बहुत सारे थियोलॉजिकल पॉलिटी ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट में बहुत सारे मैटर्स पर उन्होंने लिखा साथ में जो संस्कृत टेक्स्ट है उनको बंगाली में भी कन्वर्ट किया ट्रांसलेट किया ताकि कॉमन मैन को भी वो एक्सेस हो जाए लास्ट क्वेश्चन ट्रेडिंग स्टॉक और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट बाय ब्रोकर हु हैज इनसाइड नॉलेज ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन दैट इज अबाउट टू अफेक्ट इस प्राइस सब्सटैंशियंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन है या फाइनेंशियल एसेट होता है उस कंपनी का या आ, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अंदर की खबर मिल जाती है एंड अंदर का भेदी जो है उसको खबर दे देता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बारे में और उसके भरोसे ब्रोकर फ्यूचर इसमें चांस ले लेता है और अपना पपल फिट करके कमाई कर लेता है यानी ज्यादा प्रॉफिट ले लेता है इसे क्या कहते हैं ए इनसाइडर ट्रेडिंग बी फ्रंट रनिंग सी सर्कुलर ट्रेडिंग या डी नेकेड शॉर्टिंग क्या है क्लिक किया आपने आंसर मैं कर रहा हूं क्लिक ओके आंसर इज बी यस एब्सोल्यूट राइट आपको समझ में आया था कि गुगली हो गई अच्छा किसी की गुगली हो गई और किसी को समझ में आया शायद बराबर है राइट तो जिनका बराबर है फ्रंट रनिंग तो बराबर है भाई आप फ्रंट रनर हो लेकिन किसी की शायद गुगली हो गई थी यहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग में तो भाई दोनों में बिल्कुल थीन मार्जिन है थोड़ा सा थीन डिफरेंस बाकी कुछ नहीं है ना कि यहां पे क्या है बाहर का बंदा घर भेदी से कुछ घर भेद देता है अंदर की खबर ले लेता है और अपना मामला फिट कर देता है दैट इज अ फ्रंट रनिंग इन ट्रेडिंग में क्या है अंदर का ही आदमी जिसको अंदर की सुमड़ी में खास खबर रहती है जो अभी तक पब्लिक को मालूम नहीं हुई और इसी वजह जब से एग्जाम्पल जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट है डिस्क्लोज करने के पहले ही उसको पता चलता है कंपनी की हालत क्या है डूबने वाली या तैरने वाली उस हिसाब से वो अपने शेयर बेचता है या खरीदता है और माहौल बना देता है और फिर जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट रिलीज हो जाते हैं फिर अपना मामला फिट कर देता है That is insider trading. Getting the point? Okay. चलो देख लेते हैं फ्रंट ट्रेनिंग एग्जैक्ट कैसा है भाई फ्रंट ट्रेनिंग देखो ऐसा है मतलब मैंने जो सिंपल लैंग्वेज में समझाया तो बिल्कुल शुरू हो जाता है इन्वेस्टमेंट टीम जो है वो चलते रहती अंदर में डिस्कस करते रहती है अंदर से जो बंदा है ये सुन रहा है देखो कितना कार्टून है सुन रहा है हाँ ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा बस सुन के एक बंदे को बाहर वाले बंदे को कॉल कर देता है भाई ऐसा ऐसा है अंदर की खबर ऐसे जुगाड़ जमा ले बाहर का आदमी देख लेता है अरे भाई ब्रोकर जो या एसोसिएट वो देख लेता है अरे जम सकता है जुगाड़ फंड हाउस जो है उस हिसाब से बाया प्ले अपना सेलिंग कर लेते हैं स्टॉक बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ब्रोकर ले लेता है फिर यह ब्रोकर इस बंदे को सेटिंग वेटिंग कमीशन देता होगा जो भी करना है इस ढंग से सब सेटिंग का काम जो है यहां पे चलता है ठीक है तो इस हिसाब से जो है जैसे परचेसिंग स्टॉक बेस्ड एडवांस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक को पता ही नहीं है भाई अभी तक उसको पता चल जाता है और वो जुगाड़ जमा लेता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट रनर दे फ्रंट रनर आगे बढ़ते रहते देखो दोस्तों फ्रंट रनिंग से बी एक्सिस म्यूचुअल लोचा कर दिया अंदर के बाहर बाहर में और उसके वजह से सब ए एम सी ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था वैसे ही बस तुरंत मैनेजर जो थे यहाँ के दीपक अग्रवाल इन्होंने भी जुगाड़ जमाया इनको भी सेम चार्जेस पर टिक दिया गया जून 2021 में सेबी ने एक ऑर्डर पास कर लिया था तीन डीलर के अगस्ट में है ना रिलायंस सिक्योरिटीज के कॉन्टेक्ट में फॉर तो यह सब मामला चलते रहता था ऐसे मामले सेबी ने काफी कुछ चेकआउट किए लेकिन अभी सेबी चाहती इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ली जाए इस ढंग से कि इनकी बत्ती गुल कर दिया जाए ताकि ये धंधे बंद हो सो फ्रंट रनिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग या सर्कुलर ट्रेडिंग दिज आर द इलीगल ट्रेडिंग्स दोस्तों सो so, समझ गया क्वेश्चन आपको ओके पांच क्वेश्चन और से समझो बार बार देखो समझ लो न्यूज को समझ लो और क्यों ऐसे क्वेश्चन बनते वो भी समझ लो और अपना दिमाग दौड़ाओ और अपना यश प्राप्त कर लो ऑल द बेस्ट